दोस्तों, कालांतर में एक बहुत ही महान ऋषि हुए थे जिनका नाम था महर्षि भृगु। इनका जन्म 5000 ईसा पूर्व हुआ था। महर्षि भृगु की महानता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके द्वारा रचित ज्योतिषी ग्रंथ भृगु संहिता आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है। महर्षि की संहिता द्वारा किसी भी इंसान के 3 जन्मों का फल निकाला जा सकता है। इस ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि ग्रहों और नक्षत्रों पर आधारित वैदिक गणित के इस वैज्ञानिक ग्रंथ के माध्यम से जीवन और कृषि के लिए वर्षा आदि की भी भविष्यवाणियां की जा सकती है। परंतु आज हम महर्षि भृगु के जीवन काल से जुड़ी एक ऐसी घटना का वर्णन करने जा रहे हैं जब उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर अपने पैरों से प्रहार कर दिया था। तो ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण महर्षि को इतना घोर पाप करना पड़ा और महर्षि के इस पाप की क्या सजा मिली? ये ऑल ज्ञान्स है। इस ऑल ज्ञान्स में मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आइए जानते हैं महर्षि की जीवन गाथा। पद्म पुराण के उपसंगार खंड में वर्णित कथा के अनुसार मंदराचल पर्वत पर हो रहे यज्ञ में ऋषि मुनियों में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि त्रिदेवो यानी भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव में से सबसे श्रेष्ठ देव कौन है। इस विवाद के अंत में ये निष्कर्ष निकला कि जो देव सतोगुणी होंगे वही श्रेष्ठ कहलाएंगे। इसके परीक्षण के लिए भृगु ऋषि को नियुक्त किया गया। त्रिदेवों की परीक्षा लेने के क्रम में भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुँचे। वहाँ जाकर वो बिना कारण ही ब्रह्मा जी के ऊपर क्रोधित हो गए और ये कहने लगे कि आप सभी ने मेरा यहाँ अनादर किया है। ये देख ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तुम अपने पिता से ही आदर की आशा रखते हो? भृगु, तुम कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो जाओ, तुम्हें अपने से बड़ों का आदर करना नहीं भूलना चाहिए। इस पर भृगु ऋषि ने कहा, क्षमा कीजिए भगवान, लेकिन आप क्रोधित हो गए और मैं तो बस इतना ही देख रहा था कि आपको क्रोध आता है या नहीं। इतना कहकर भृगु ऋषि महादेव की परीक्षा लेने के लिए कैलाश की ओर चल दिए। कैलाश पहुंचकर उन्हें पता चला भगवान शिव अपने ध्यान में लीन हैं। उन्होंने नंदी से कहा, जाओ जाकर भगवान शिव को उनके आने की सूचना दो। नंदी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। इस पर भृगु ऋषि स्वयं ही उस स्थान पर चले गए जहां भगवान शिव ध्यान कर रहे थे और वहां पहुंचकर भगवान शिव का आह्वान किया और बोले, कैलाश हो या कहीं भी, ऋषि मुनियों के लिए द्वार तो सदैव खुले होते हैं। शिवजी का ध्यान भंग हो गया और वो क्रोधित हो गए। भगवान शिव ने कहा, भृगु, तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ तक ले आई है, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, मैं अभी तुम्हें भस्म कर देता हूँ। तभी माता पार्वती वहां आ गई और भगवान शिव से भृगु ऋषि के प्राणों की रक्षा के लिए निवेदन किया और ये बताया कि इसमें भृगु ऋषि की कोई गलती नहीं है, वो तो बस पृथ्वी के सभी ऋषि मुनियों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। ये सब जानकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने भृगु ऋषि को बताया कि मैं तो संहारक हूँ और क्रोध मेरा स्थायी भाव है। इसके बाद भृगु ऋषि वैकुंठ पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु निद्रा की अवस्था में थे। भृगु ऋषि को लगा कि उन्हें आता देखकर भगवान विष्णु जानबूझकर सोने का नाटक कर रहे हैं। वो अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने दाहिने पैर का आघात श्री विष्णु जी की छाती पर कर दिया। भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो गई। उठते ही उन्होंने महर्षि के पैर पकड़ लिए और कहा, हे भगवान, मेरी वज्र समान कठोर छाती से आपके कोमल चरण में चोट तो नहीं लगी? महर्षि भृगु लज्जित भी हुए और प्रसन्न भी। इसके बाद उन्होंने श्री हरि विष्णु को त्रिदेवों में श्रेष्ठ सतोगुणी घोषित कर दिया। दोस्तों, क्रोध से उत्पन्न होता है मोह और मोह से स्मृति। स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य नष्ट हो जाता है। दोस्तों, भृगु ऋषि के जीवन की ये प्रेरणादायी कहानी अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही प्रेरणादायी पौराणिक कथाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु।